अस्सलाम वालेकुम। बकरी चल रही है और गोश्त के साथ साथ बहुत सारी बीमारियां भी चल रही होती हैं, बहुत सारे इश्यूज चल रहे होते हैं, जिसमें एक बड़ा कॉमन प्रॉब्लम नॉर्मली बच्चों को होता है, वो होता है वॉमिटिंग का। कि एक तो भूख बहुत हो रही होती है, गोश्त की स्मेल है, ब्लड है, देख के भी और खा खा के भी किसी भी वजह से वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। आपने बहुत ज़्यादा खा लिया है, डाइजेस्ट नहीं हुआ है, या कोई प्रॉपर आपको उस दिन कोई हॉस्पिटल क्लिनिक नहीं है, इलाज नहीं हुआ है, या ठीक नहीं हो रहे, किसी भी वजह से अगर वॉमिटिंग हो जाती है, बड़ा आसान सा हल है इसका कि आपको जो है, जैसे अगर किसी को वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई है, हो रही चीज़ हो रही है या स्टार्ट हो गई है, तो आपने नारियल पानी नॉर्मली मिल जाता है, कोकोनट वाटर पीना है। कोकोनट वाटर जैसे ही पियेंगे उसी वक्त वॉमिटिंग रुक जाती है, और इसको बहुत ज़्यादा नहीं पीते, हाफ कप बहुत होता है, हाफ कप कोकोनट वाटर पी लीजिए। बहुत ज़्यादा हो रही है तो थोड़े वक्फे से पी लीजिए। कोकोनट वाटर अवेलेबल नहीं है तो नीम के पत्ते हर जगह मौजूद होते हैं, नीम के दरख्त लगे हुए होते हैं, आपने नीम की पत्तियाँ तोड़नी है ताज़ा, उसको क्रश करना है, उसका जूस निकालना है। जस्ट 1 टीस्पून जो है वो जूस जो है ना आपने पिलाना है पेशेंट को, 2 से 3 दफ़ा में वॉमिटिंग रुक जाती है। बच्चे अगर हैं तो वो तीनों चीज़ों में नहीं आते, या किसी बहुत सी जगहों पर ये तमाम चीज़ें अवेलेबल नहीं होती हैं किसी भी वजह से, तो उसका आसान सा हाल यह है कि राई अपने घर में लाजमी रखिए। राई मौजूद होती है मोस्टली घरों में। जिसको भी पेशेंट को वॉमिटिंग स्टार्ट हुई है, स्पेशली बच्चों को यंग एज में होता है, तो आपने राई का पेस्ट बनाना है, मलमल का एक कपड़ा लेना है, उसको पानी से भिगोना है, और जिसको वॉमिटिंग हो रही है उसके पेट के ऊपर मलमल का कपड़ा बिछा के और राई का पेस्ट लगाना है, और उसके ऊपर दोबारा कवर कर देना है। 5 मिनट के अंदर आपकी जो कह है वो रुक जाती है, वॉमिटिंग स्टॉप हो जाती है। तो ये कीजिए, इंशाल्लाह ताला फ़ायदा होगा, इस्तेमाल कीजिए। शुक्रिया।